अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ एक छोटी सी जजमेंट शेयर करूँगी। सबसे पहले आप लोग इसकी ये साइटेशन देख लें, PLD 2012 लाहौर 148। ये जो लिखा हुआ है LAH, दैट मीन्स लाहौर 148, इसका पेज नंबर है। एंड PLD मीन्स पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट। रिस्पॉन्डेंट्स फाइल्ड सूट फॉर मेंटेनेंस, सेम वॉज डिक्रीड ऑन, कोई भी डेट हो सकती है। रिस्पॉन्डेंट्स ने मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस कहते हैं खर्चे के दावे को, एक कोर्ट में अदालत में दावा दायर किया। और वो दावा जो है किसी भी, कोई भी डेट हो सकती है, जिस डेट को फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, जिस डेट को डिक्री किया। व्हेन द जजमेंट डेटर और फादर, जजमेंट डेटर हम कहते हैं बेसिकली जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने डिक्री पास की होती है। एक जजमेंट डेटर होता है, एक होता है डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिसीजन पास हुआ हो, एक होता है जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट ने डिक्री पास की हो। तो मेंटेनेंस का केस है तो डेफिनेटली मेंटेनेंस के केस में जजमेंट डेटर यहाँ पे फादर ही होगा। हु इज़ रियल सन ऑफ द पिटिशनर इज़ नॉट अवेलेबल। रिस्पॉन्डेंट्स ने मेंटेनेंस का सूट फाइल किया, कोर्ट ने उसको डिक्री कर दिया, ठीक है। जब फादर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा मेंटेनेंस पे करने के लिए, तो फिर दादा जो है वो क्या बाउंड होगा अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनको मेंटेनेंस पे करने के लिए? तो डेफिनेटली यस, ग्रैंडफादर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, और ग्रैंडफादर वुड बी बाउंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस अलाउंस टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। ये छोटा सा की पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ इस जजमेंट का शेयर किया है। ये साइटेशन PLD 2012 लाहौर 148, ये आप लोग जाके लाइब्रेरी से निकलवाएंगे तो मज़ीद आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी डिटेल में ये जजमेंट रीड करने से। सिंपल जो इसका क्रक्स है, जजमेंट का छोटा सा मेन पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट्स को जो है डिक्री पास कर दी है मेंटेनेंस की, फादर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर दादा जो है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए बाउंड है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जो है मेंटेनेंस के केसेस भी हमारे पास काफ़ी आते हैं। जब हम खुला का केस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो साथ ही मेंटेनेंस का भी अक्सर हम केस जो है वो फाइल कर देते हैं। सो मेंटेनेंस, बेसिकली मेंटेनेंस होता है खर्चे का दावा। जब खर्चा लेना होता है कोर्ट से बच्चों का, तो फीमेल जो हैं वो, मदर जो है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में मेंटेनेंस का, खर्चे का दावा फाइल करती हैं। तो अगर फादर अपने बच्चों को खर्चा देने के लिए जब जब जिस जिस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, उस टाइम फिर ग्रैंडफादर जो हैं वो बाउंड होंगे मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये जजमेंट जो है वो क्लैरिटी हो गई होगी इसकी। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप ये साइटेशन जाके रीड कर सकते हैं जजमेंट निकलवा के, सो दैट आप लोगों को मज़ीद इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।